वेलकम गाइस, मैं तरुण राजपूत आपका वेलकम करता हूँ। सो दोस्तों, आज इधर मैं बात करने वाला हूँ मैदान मूवी की एडवांस बुकिंग और मूवी का रन टाइम कितना है, बुक माई शो पर इसका इंटरेस्ट रेट क्या हो चुका है, ये सब बात करूँगा इस वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए बात करते हैं पहले बुक माई शो में इंटरेस्ट रेट का क्या है फंडा। तो दोस्तों, इंटरेस्ट रेट जो इसका मैदान का अब तक हो चुका है 91,800 हो चुका है, यानी कि 91,800। तो दोस्तों, इसका और बड़े मियाँ छोटे मियाँ को मिलाकर अगर हम देखें तो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, कभी वो इससे आगे है तो कभी वो इससे पीछे है। तो बस अब ये देखना है कि 1 लाख तक कौन क्रॉस करता है, यानी कि 1 लाख इंटरेस्ट किसका क्रॉस होता है। अभी हालांकि बड़े में छोटे मियाँ 94K चल रही है, यानी कि 94.8K, यानी कि 95K रख लीजिए, 95,000 इंटरेस्ट हो चुका है उसका, और इसका 92,000 के अराउंड हो जाएगा जब तक ये वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। सो गाइस, अब चलिए बात कर लेते हैं कि एडवांस बुकिंग कितनी हुई और इस मूवी का रन टाइम क्या है। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के रन टाइम की। सो गाइस, हमने जो 2023 में सबसे लंबी मूवी देखी थी वो थी एनिमल, क्योंकि आजकल आपको पता है 2 घंटे 30 मिनट या एक घंटे 55 मिनट मूवी होती है, बट एनिमल का यार बहुत ही लंबा रन टाइम था। तो इसका दोस्तों जो रन टाइम निकल कर सामने आया वो 3 घंटा 1 मिनट है। दोस्तों 3 घंटा 1 मिनट इसका रन टाइम है, और ये बहुत शॉकिंग करने वाली बात है दोस्तों। देखिए, एक तो इसमें ना एक्शन है, ना ही कॉमेडी है, और ना ही इसमें कोई ऐसा मांस महाराजा वाला कोई जुनून टाइप जो होता ना अजय देवगन का, वो भी नहीं है। तो 3 घंटा 1 मिनट ऑडियंस को बैठा पाना, ये क्या सच में ये मूवी करके दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी? कहीं बोनी कपूर जी बड़े में छोटे में की बोनी ना खराब कर दें, ये दोस्तों सच में एक डरा देने वाली बात है। बट इधर इसकी एडवांस बुकिंग से क्या हाथ लगा। सो बड़े मियाँ छोटे मियाँ तो अभी खुली नहीं है इंडिया में एडवांस बुकिंग। इस मूवी की जो एडवांस बुकिंग है दोस्तों, इससे जो हाथ लगा है वो 2 लाख की एडवांस बुकिंग हो चुकी है दोस्तों। 8,000 टिकट सॉल्ड आउट कर दी है इसने, अरे सॉल्ड आउट कर दी है 8,000 टिकट, और 2 लाख की एडवांस बुकिंग अब तक ही कर ली है, यानी कि आज 4 बजे तक, शाम के 3 अप्रैल को 4 शाम बजे तक ही इसने 2 लाख की एडवांस बुकिंग कर ली है। और गाइस, ये अगर रात तक एक आधा वीडियो और बनाऊंगा, रात तक अगर ये 15,000 टिकट सॉल्ड आउट करती है या अराउंड 4 या 5 लाख की एडवांस बुकिंग होती है तो बहुत ठीक है यार। अगर बड़े में छोटे में कि 2-3 दिन बाद एडवांस बुकिंग खोली जाती है इंडिया में, तो अगर बड़े में छोटे में एक दिन में यानी कि घंटों में कुछ एडवांस बुकिंग बढ़िया करती है तो दोस्तों इसके लिए डर का साइन है। तो फिर बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कि यार इन्होंने एडवांस बुकिंग भी पहले खोल दी और हाथ क्या लगा, सिर्फ ये लगा चिल्लर। नहीं गाइस, अब देखिए हरियाणा की बात करूँ ना, हरियाणा में 2 शो तो टोटली हाउसफुल हो चुके हैं, मैदान मूवी के टोटली 2 शो हाउसफुल हैं, तो ये बहुत अपने एक बड़ी बात है। अब दोस्तों, मैं तो यही चाहूँगा कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ की जल्द से जल्द एडवांस बुकिंग खोलें, क्योंकि मैदान हर एक चीज़ में पहले फतेह कर रहा है। देखिए, ट्रेलर आया तो इन्होंने पहले ट्राई किया, एडवांस बुकिंग के मामले में तो ट्राई किया, अब जो इंटरेस्ट रेट है ये कुछ नेगेटिविटी फैला रहे हैं या कुछ पेड इंटरेस्ट बता रहे हैं, ये तो हमें दोस्तों सच में नहीं पता। और बट इतना कहा जाता है कि पेड हो जाते हैं, हमने BMCM के भी देखे हैं और इसके भी देखे हैं, बट फिर भी दोस्तों अभी रिसेंटली पहले अजय देवगन की शैतान मूवी हिट सुपर हिट हो गई है। अजय देवगन को टेंशन नहीं है कि मेरी मूवी चले या ना चले, क्योंकि वैसे भी अगर ये मूवी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर ये मूवी OTT पर भी आई थी तो भी लोगों ने बहुत पसंद करनी थी, बट बोनी कपूर ने पता नहीं क्या दुश्मनी निकाल रहे हैं कि उनको इस मूवी के साथ लाकर अपनी मूवी कितना कितना हिट करानी करानी है। बट ये ऑडियंस पर डिपेंड है, चलो देशभक्ति पर ला रहे हो तो वो सही बात है। तो हॉकी पर मूवी देखी थी हमने गोल्ड, तो सेम वही स्टोरी है, बाकी कुछ अलग होगी तो वो कह नहीं सकते। बाकी आप अपना टेक बताना दोस्तों, आप किसके साथ हो और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।